डोंबिवली कल्याण से शुरू शिंदे गुट और भाजपा में छिड़ी जंग अब उल्लासनगर तक पहुंच गई है। उल्लासनगर में सांसद श्रीकांत शिंदे के समर्थन में मेरा नेता मेरा अभिमान की हेडिंग लगाकर पोस्टर लगाए गए। मैं आज जो उल्लासनगर में हूँ वो तो शिंदे साहब की बदौलत हूँ। आपने देखा है कि 2007 से 2023 तक जो परिवर्तन हुआ है आज राजनीति में, आज मुझे उप जिला प्रमुख पद दिया गया, 2 बार मेरी मम्मी को आई को महापौर पद दिया है। तो ये सब शिंदे साहब की वजह से है, क्योंकि मैं शिवसेना पक्ष के साथ में गठबंधन में भी था, उनके साथ में चुनाव भी लड़ा, उनके साथ में भी हूँ, और पहले भी मैं शिवसेना के साथ में था। कुछ दिन बीच में अलग था, जगह पे था, मगर घर वापसी होती है, नाराजगी मन मुटाव होता है, मगर मुझे शिंदे साहब के ऊपर गर्व महसूस होता है हमेशा। कोई भी बात होने दो, शिंदे साहब ने जो भी किया, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब रहो या खासदार श्रीकांत शिंदे साहब रहो, मुझे उनके लिए फख्र महसूस होता है। तो ऐसा लगता है कि मेरा नेता है जो मेरे लिए अभिमानास्पद है, क्योंकि जो भी बातें हैं उनकी, जो आज पहले चुनाव में श्रीकांत शिंदे साहब नहीं बोल पाते थे क्योंकि पहला पहला चुनाव था, नए थे, मगर अभी मैच्योरिटी इतनी आ गई है कि सचमुच अगर कोई खासदार इस देश में कुछ बात कर सकता है, अपना विचार रख सकता है और विचारधारा के साथ भी चलता है, तो ऐसा मेरा नेता है तो मुझे उसके लिए अभिमान है। तो मेरे दोनों ही नेता है, इसलिए मैंने ये बैनर लगवाया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कल्याण की जो बातें हैं, अभी कल्याण में क्या बातें हुई, क्या बातों से लेकर वहाँ पे मीटिंग हुई और ठहराव किया गया, और वो ठहराव के बारे में आदरणीय भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुड़े साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी, मगर शिवसेना बीजेपी उल्लासनगर में गठबंधन कायम है। आज यहाँ के जो जमनू कुरस्वामी जी हैं, कुमार ऐलानी जी हैं, प्रदीप रामचंद्रन जी हैं, प्रकाश माखीजा है, महेश सुब्रमणी है, सभी सभी जो पदाधिकारी है यहाँ पे, उनके साथ में हमारा मन मिलाव है, कहाँ पे मन मुटाव नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। जबकि युति का ऐलान हुआ तो आपने देखा कि सबसे पहले बैनर लगाने वाला उल्लासनगर शहर था, तो हमारे तो कोई बात ही नहीं है। और आज देखा जाए तो खासदार साहब ने इस मतदार क्षेत्र में कार्य करने के टाइम पे आपने देखा रहेगा कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो सारे पक्ष के बारे में लिया है। जब महायुति की सरकार है, अभी युति की सरकार है, आघाड़ी के टाइम पे वहाँ पे वैसे ही थे, मगर युति की सरकार में हालांकि में देखा जाए तो सारे नगर सेवकों को चुनाव नहीं है फिर भी सरकार के माध्यम से ज़्यादा फंड देने का काम हर एक प्रभाग में कि हमारे आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने किया है। तो मुझे लगता नहीं कहाँ भी हमारा मन मुटाव है, और मुझे लगता है कि अभी इसका परिणाम उल्टा होगा। लास्ट 3 चुनाव में जितने भी वोट गिरे उससे ज्यादा मताधिक्य से ज्यादा वोटों से हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब यहाँ पे चुन के आएंगे। मुझे लगता है सामने वालों की डिपॉजिट जब्त होगी। तो उल्लासनगर में ऐसा कोई बात नहीं है, और जो भी बात है वो उनके ऊपर के लेवल की, मगर हमारा इधर प्यार मोहब्बत और हमारा स्नेह बना है। आप अकेले का बैनर दिखाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए कि सोशल मीडिया पे हर एक ने अपनी अपनी पोस्ट कर दी है। मैं थोड़ा ज़्यादा उत्साही नेता हूँ, मुझे थोड़ा लगता है कि पोस्ट पे कौन देखे नहीं देखे, मगर मेरे प्रभाग में मैंने माजा नेता माजा अभिमान हा बैनर लावला है, और सारे उल्लासनगर को भी मालूम है कि अरुण आशान का नेता शिंदे साहब है, और शिंदे साहब के वजह से अरुण आशान है, और उसका अभिमान अरुण आशान को था है और रहेगा। महाराष्ट्रात आज जी परिस्थिति अपन सोशल मीडिया और टीवी चैनल बघत आहे, त्या सोशल मीडिया और खुद श्रीकांत शिंदे साहेबांनी सांगितलं आहे कि जी चुकी झाली आहे त्या चुकीला मी जर चुकत असेल या त्या चुकी असेल तर मी माझा राजीनामा द्यायला तयार आहे, हे खुद श्रीकांत शिंदे बोलतात। आणि त्यांना ही जाणीव आहे की महाराष्ट्रात जी युती झाली, इतिहास घडवला, ते फक्त बीजेपीमुळे घडलेला आहे। आणि बीजेपी हा पक्ष कुठला नेता बघून नाही केला, तर एक आपला जे महायुती होती भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची, ती युती टिकवण्याकरिता महाराष्ट्रात आम्ही आमचा मुख्यमंत्री न करता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री केला, हा अभिमान आम्हाला वाटतो। आणि याच पद्धतीने जर शहरात आमच्या कार्यकर्त्यांवरती, डोंबिवलीमधल्या कार्यकर्त्यांवरती अन्याय झाला
आणि अन्याय झाल्यानंतर रवींद्र चव्हाणांनी त्याचा पाठपुरावा करताना पूर्ण कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढल्यानंतर जर सिनियर तिकडचे लोकल सिनियर पोलीस स्टेशनमध्ये जर ते आमच्यावर कारवाई करत असतील तर ही लाजेस्पद गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर उल्हासनगरमध्ये सर्व आमच्या मोठ्या नेत्यांनी शहर टीव्हीला बाईट दिली, बावनकुळे साहेबांनी, श्रीकांत शिंदेनी की हा वाद मिटलाय तिकडचे लोकल सिनियर पोलीस स्टेशनमधले तर ते आमच्यावर कारवाई करत असतील तर ही लाजेस्पद गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर उल्हासनगरमध्ये सर्व आमच्या मोठ्या नेत्यांनी शहर टीव्हीला बाईट दिली, बावनकुळे साहेबांनी, श्रीकांत शिंदेनी की हा वाद मिटलाय. त्याच्यानंतर विचारपूर्वक आमच्या उल्हासनगरमध्ये शहरातील चायपेक्षा किटली गरम अशा एका कार्यकर्त्यांनी आमच्या इथे ओटीवर बॅनर लावला आणि आमच्या भावना दुखवण्याचा प्रयत्न केला. मी पुन्हा एक सांगू इच्छितो की श्रीकांत शिंदे साहेब आणि मी एवढा मोठा नाहीये पण मी शिंदे साहेबांना सांगू इच्छितो, छोटा कार्यकर्ता तळागाळातला, शिंदे साहेब उद्धव साहेबांची शिवसेना का संपली? कारण की त्यांच्यापेक्षा चायपेक्षा किटली गरम होती म्हणून त्यांनी तळागाळात काम केलं नव्हतं, ते चार भिंतीत बोलत होते. आज म्हणून ती परिस्थिती आली. आज जर तुमच्या कार्यकर्त्यांनी जर अशी परिस्थिती निर्माण केली चायपेक्षा किटली गरम तर उल्हासनगरमध्ये पण तीच परिस्थिती होईल आणि उल्हासनगरची बीजेपी कमजोर नाही, माझा नेता कमजोर नाही. आम्ही प्रथम पक्ष मानतो आणि त्यानंतर आमचा नेता मानतो. आमचा नेता आमचा पक्ष जो आदेश करेल येणाऱ्या काळात आम्ही त्याचं उत्तर त्या बरोबर देऊ आणि आम्हाला कुणी कमजोर समजू नये. आम्ही बीजेपी आहे, बीजेपी सारखंच पूर्ण राष्ट्रामध्ये उत्तर देते, पूर्ण भारतात उत्तर देते, तसं उल्हासनगरमध्ये सुद्धा आम्ही आमचा दबदबा निर्माण केलेला आहे आणि तो वेळ आली की दाखवून टाकू. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें.